मुद्दे देखो यहाँ पे खड़े हुए हैं, देख ही सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे। और थोड़े से आगे भी खड़े होंगे, चाय वाला ये रखना। तो गाइस मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आप देख ही रहे हैं कि यार हम आ गए हैं आज गुरुग्राम, और गुरुग्राम की जो रात की जिंदगी जो होती है, नाइट लाइफ जो होती है, आज मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, रात का बज रहा है एक, और इस टाइम हमें घर पे होना चाहिए पर यहाँ पर ऐसे लोग खड़े ही रहते हैं हर टाइम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि यार इधर से किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ। मैं सिर्फ वो जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको यहाँ की जो नाइट लाइफ जो एक्चुअल में है वो दिखा सकूँ। तो हम चलो ढूंढते हैं, निकलते हैं उनकी खोज में और आगे बढ़ते बढ़ते ये देखते हैं कि आगे और क्या क्या मिलने वाला है हमें। भाई अगर आप यहाँ पर आते हैं तो रात को थोड़ा सा सतर्क रहें, क्योंकि सतर्क रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ कोई दुर्घटना भी घट सकती है, जो कि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा हो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि यार मैं रात को निकलता हूँ आप लोगों के लिए। और बहुत ही मुश्किल से यार ऐसे ब्लॉग शूट हो पाते हैं, जो कि रिस्की भी बहुत हैं। आप समझ ही सकते हो यार ये कितने रिस्की होते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क इसलिए भी है, लोग जब आपके सामने होते हैं और आप उनके सामने कैमरा करते हैं या कैमरा उनके मुंह के पास होता है तो वो समझ जाते हैं कि मेरी वीडियो बना रहा है, और उस समय कुछ भी हो सकता है। खैर अब हम आगे चलते हैं। यार दिल्ली जो रात को बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है दिल्ली। अगर आप यही सुबह के टाइम निकलेंगे तो दिल्ली के जो NCR एरिया है, जैसे गुरुग्राम है और भी जो एरिया है, इनमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ देखिए ये टोल है, यहाँ पर टोल की सच्चाई, यहाँ पर वो लोग खड़े होते हैं जो कि गलत काम करते हैं। ये देखिए एक ट्रक वाले जो है आसपास, ये सब ट्रक खड़े हैं, यहाँ पर भी ऐसे काम होते हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ यार कि आपको कुछ दिखा सकूँ, पर अभी तक मुझे कुछ दिखा नहीं है। चलें देखते हैं, आगे चलते चलते देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यार। इधर से कट मारा, देखो पूरा अंधेरा है। अंधेरे से गुजरते हुए हम निकल रहे हैं। मुझे लग रहा है साइड कुछ हो सकता है, क्योंकि यार ये जो एरिया है ना थोड़ा सा मतलब आउट में पड़ रहा है। ये देखिए जंगल टाइप का है, और इस जंगल टाइप जैसे एरिया में ऐसे चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। ये देखिए यही आ गया मैं भाई, मुझे लग रहा है यही है, पक्का यही है भाई, कन्फर्म। ये देखिए जंगल में कोई था, लेकिन यार वही चीज़ है ना, समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ मैं इसको कैप्चर। ये अंधेरे में यार एक तो गाड़ी की लाइट भी नहीं जा सकती, और मैं हैंडल टेढ़ा करके ज़्यादा फ्लैश भी नहीं कर सकता। चलो मैं फिर भी आपको आगे ले चलता हूँ, देखते हैं। ये देखिए पुलिस भी यही है यार, ये पुलिस वाले जो यहाँ पर खड़े हैं इनकी वजह से ये लोग भाग जाते हैं डर के मारे, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं। गुरुग्राम में भाई यही होती है दुग्गी पूजन के लिए अगर आपको आना है तो भाई आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी लोकेशन है, रात में ज़्यादा कोई परेशान करने वाला भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना ज़रूरी है। ये देखिए खड़े हैं लोग, ये यही हैं वो लोग जो मतलब करते हैं ऐसे काम, देखा ना आपने यार, मतलब समझ में आ रहा है। देखिए ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आसपास, ये जो लोग हैं ना ये जो बगल में जा रहे हैं ये भी भाई उन्हीं के पास जा रहे हैं, और ये लोग बातें करते हैं, और ये बगल में ये जंगल टाइप का है ना ये जो अंधेरा है, इसका ये पूरा फ़ायदा उठाते हैं भाई। तो यार मेरा जो व्लॉग है वो कंप्लीट होता हुआ, और अब मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि यार आगे मैं खोजूंगा तो शायद एक आध और मिल जाए, लेकिन इतने से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या ही होता है और क्या नहीं होता। तो मैं एक बार फिर से आपसे यही कहना चाहूँगा कि यार मतलब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे सपोर्ट मिलता रहे पूरी तरीके से। धन्यवाद।